सवाल नंबर 30 ग्रुप दे रखा है। लो ये इस ग्रुप पे देखो थोड़ा चेंजिंग है, क्या 52 है और यहाँ कितना दे रखा है 53। लेकिन क्या है, अगर आप मीन याद कर रहे हैं तो ग्रुप का उसका कोई असर नहीं पड़ता है, आप बिना ग्रुप को चेंज किए इस सवाल को कर सकते हो। कैसे करेंगे, ये एफआई दे रखा है, इसकी टोटल होती है 400। हमें फाइंड करना है मीन, कौन सा मेथड है, स्टेप डिविजन मेथड। और जब भी मीन फाइंड करते हैं, मीन में आपके L1 L2 मतलब जो ग्रुप दे रखा है उसका कोई महत्व नहीं होता। हम याद करेंगे देखो, सबसे पहले XI याद करेंगे, मतलब के सेंटर वैल्यू, या बोल सकते हो मिड वैल्यू। कैसे याद करेंगे, 50 और 52 के बीच में क्या आता है 51, या लिखेंगे 51। इन दोनों के बीच में क्या आता है 54। इन दोनों के बीच में आता है आपके 2 57। इन दोनों बीच में आता है देखो, हर बार आपका 3 दिन बढ़ रहा है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंस कितना है आपके 3 का है, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 3 का है तो आगे भी 3 का है, आगे भी कितना हो गया आपके 3 का ही रहेगा, मतलब ये डिफरेंस 2 का और ये डिफरेंस कितना है आपके 3 का है। जो एक्स्ट्रा ज्यादा डिफरेंस है वो लेना है, या यहाँ देख लो ये वाला डिफरेंस ले सकते हो आप, कितना अंतर है 3 का डिफरेंस है वो लेंगे। अब इसने कहा है आपके स्टेप डिविजन, स्टेप डिविजन क्या याद करते हैं UI, UI का फॉर्मूला क्या है XI - A/H। केवल ऐसा लिखना है, इसका कोई काम में आपको नहीं लेना, सर को दिखाना है कि मैंने ऐसे हल किया। जिस किसी को A को आप क्या मान लो, 0 मान लो, या इसको एज्यूम कर लो ये हो गया A, एक इसको मान लिया हमने 57 को हमने मान लिया A, जिसको A माना यहाँ हो गया आपके 0, ऊपर तो लिखेंगे माइनस में और यहाँ लिखेंगे प्लस में, -1 -2 +1 +2 फिक्स है, कोई लिखना है। अब है आपके FIUI, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे, कितना होता है बताओ, -30 -110 0 +115 प्लस का होता है आपके 50, मल्टीप्लाई करना है। अब 2 तो है माइनस के और 2 के हैं आपके प्लस के, तो माइनस कितने हुए, माइनस के 140 और प्लस का कितना हुआ आपके 165, ज्यादा कौन से हैं प्लस के एक्स्ट्रा है, तो प्लस के 25 आ जाएंगे आप और इनकी जोड़ आ गई है आपके 400। अब हमें फाइंड करना है मीन, फॉर्मूला क्या है A+σFIUI/σFI (H), या तो लगता है XI भी लगा सकते हो, DI भी लगा सकते हो, जब XI लगाएंगे तो ये दोनों ही लगाएंगे, और जब आपके एज्यूम मीन मेथड है तो यहाँ DI लगेगा और यहाँ H नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ये माइनस किया हुआ है तो ये वापस जोड़ दिया, या H का डिवाइड किया हुआ है तो वापस क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब A कितना है, एक इसको माना हमने 57 को, FIUI कितना देर का है 25, σFI 400 और डिफरेंस कितना देर का है आपके, ये नहीं ये गिनना है डिफरेंस 3 का, जो मिड वैल्यू में आया डिफरेंस ये वाला डिफरेंस लेना है, तो हमने ये तो ग्रुप तो हमारे काम आ ही नहीं रहा, ये जो डिफरेंस है वो लेंगे हम XI वाला डिफरेंस, जो देर का है आपके 3 57 प्लस, अब ये इससे डिवाइड होता है 1 टाइम फिर 4 टाइम, ये होगा आपके 3/14 6 टाइम जाएगा, 57 प्लस डिवाइड करो 5 फिर 0 लग जाएगा, ये हो जाएगा आपके 1 टाइम, फिर आपके ये तो जाए 1 टाइम, फिर आप पीछे बच गया आपके 18, अब जाएगा आपके कितने कितनी बार 12 बच गया ना 14 कितनी बार जाएगा आपके 8 टाइम, फिर 7 टाइम, फिर 5 टाइम, तो ये हो जाएगा 57.1875, जो भी डिवाइड कर लेना जो आता है वो लिखना है आपको। अब है आपके मोड फाइंड करना है, बताओ सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपके, ये वाली सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, तो ग्रुप भी होगा इसके पास वाला और ये कहलाएगा आपके F1, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले वाला क्या है आपके F0 और उसके बाद क्या है आपके F2, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, हटा ही दिया पूरा,
ये क्या आएगा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर आएगा। तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए आपको केवल यही याद कर लो कि मोड तो भी चलेगा, क्योंकि एक सवाल आएगा जरूर मोड का। आप बताओ इसमें जेड का जो ग्रुप आया है वो कौन सा ग्रुप आया है आपके 60 to 80। अब अगर हमें याद करना है जेड, तो फॉर्मूला क्या है, L1 plus F1 minus F0 into 2 minus F2 into H। L1 lower limit ये वाला 60 plus F1 minus F0 ये दोनों का minus 61 minus 52। अब ये यहाँ आएगा 61 minus 52 into 2 माइनस F2, ये दे रखा है 38। ये तीनों लिखने हैं हमें, इनटू क्या हो जाएगा आपके H कितना है, सब में डिफरेंस, क्योंकि हम L1 ले रहे हैं, ग्रुप ले रहे हैं, तो ये वाला अंतर लेंगे जो अंतर है आपके 20 का। 60 प्लस 61 माइनस 52, अगर आपको यहाँ हल करना नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, ये वाला अंतर कितना है आपके 9 का, और ये वाला अंतर कितना है आपके 23 का। हम क्या लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे 9 और यहाँ सीधा लिख देंगे कितना, इन दोनों को जोड़कर 9 plus 23 32 into 20। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के जो है, फर्स्ट ईयर में बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके फॉर्मूला ये है, delta 1 plus delta 2 into i। ऊपर वाले अंतर को तो बोलते हैं delta 1 और ये अंतर को बोलते हैं delta 2, मतलब ये 9 यहाँ भी आएगा और ये आएगा 9 plus 23। ये वाला अंतर तो आया यहाँ पर और दोनों की जोड़ यहाँ पर आएगी, और आपको वहाँ रफ में करना है, ऐसा दिखाना नहीं है वहाँ पर, ना फॉर्मूला लिखना है, यही फॉर्मूला लगाएंगे, संख्या को जमाएंगे, यह आएगा 60 प्लस ऊपर का अंतर है 9 और नीचे अंतर 23, 9 plus 23 32। फिर आगे लेना है डिफरेंस, 4 से जाएगा 5 times, ये जाएगा 8 times, 60 plus 9 5 जा, ये होता है 45 upon 8, 60 प्लस डिवाइड करो 8 से तो जाएगा आपके 5 times, फिर आगे 6 times 2 times 5 times, ये हो जाएगा आपके 65.625।